अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अंग्रेजी के अल्फाबेट्स कैपिटल अल्फाबेट्स किस तरह से लिखते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स किस तरह से लिखते हैं। अंग्रेजी स्मॉल लेटर लिखने के लिए हम चार लाइन्स का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। स्मॉल लेटर्स, कुछ लेटर्स जो है बराबर बीच में आते हैं, कुछ लेटर ऊपर के दो लाइन में आते हैं और कुछ लेटर नीचे के दो लाइन में आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अंग्रेजी के स्मॉल लेटर किस तरह से लिखते हैं। पहला ए जो है सेकंड लाइन शुरू होता है और थर्ड लाइन पर खत्म होता है, ए। बी फर्स्ट लाइन शुरू होता है और थर्ड लाइन पर खत्म होता है, सी बीच के दोनों लाइन में आता है, डी दो लाइन से शुरू होकर ऊपर के पहली लाइन तक, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इस तरह से हमने अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स लिखने का तरीका देखे। आप देखेंगे कि इन अल्फाबेट के अंदर कुछ लेटर बीच के दो लाइन में आए हुए हैं, जिस तरह से ए, सी, ई, आई, एम वगैरह, और कुछ लेटर ऊपर के तीन लाइन में आए हुए हैं, जैसे कि बी, डी, एफ, एच। उसी तरह से कुछ लेटर्स नीचे के तीन लाइन में आए हुए हैं, जैसे कि जी, जे, क्यू, वाई। इस तरह से स्मॉल लेटर्स में चार लाइन में लिखने का ये तरीका आप याद रखेंगे और इसको लिखने की मशक करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स किस तरह से लिखते हैं आपके समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।